आज सबसे बड़ी खुशी तो आ है कि भक्तों के साथ में संत महापुरुषों को आमंत्रित किया, और ये बड़ी खुशी है कि एक मंच पर इतने संत महापुरुषों का पधारना ये गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन धरती पर संतों का चरण मण जावे, बस धन्य हो गई वो धरती, धन्य हो गए ये आचीना गांव, धन्य हो गए आप कि संतों की दृष्टि अपने ऊपर और अपनी दृष्टि संत महात्माओं के चरण कमल पर। बस ये बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि कृपा बिना आ चीज को न मिले, भोजन मिल जावे, पहनने कपड़ों मिल जावे, बैठने गाड़ी मिल जावे, रहने मकान मिल जावे, लेकिन कृपा बिना भोजन और भजन को न मिले। भोजन और भजन ये भगवान की कृपा से मिलता। अब कई लोग मन में सोचे भोजन में कहीं कृपा जरूरी है, हाँ जरूरी है, थाली में भोजन पुरुषोड़ो है, बस जीवन की तैयारी करा, जय ग्रहस्यो तोड़ा, जय ग्रहस्यो तोड़ लेने की मन में सोचा एक कवर लेवा, जितने टेलीफोन आ गयो है ना, हेलो कौन बोलो सर, फलान जी बोला, अरे कहीं करो, बोले रोटी जिम रही हूं, अरे रोटी कहीं जिमो, थारो भतीजो ठोकी रोज डे पड़गो, पर रोटी थाली की थाली में, अर बटू उठ रहा पने भागना पड़े, कृपा बिना भोजन कौन जिमी जो, अरे भूखा भूखा ने दौड़ना पड़ियो आखी रात, कृपा बिना भजन भी कौन मिले, पैसों सब काम थोड़ी वैसा, कई लोग सोचे सब काम पैसों कर लिया, पैसों करो जन दो साल में देखिए थे लोगों ने, पैसों करता था दो साल में देख लिया, घना रुपया ना जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन मिले, बड़े कहते रुपया घना है बोरिया भरी, पर सिलेंडर कटू लिया कौन मिले, घना पैसा वाला जगह कहता हमारे एक फोन में लाखों का कारोबार टर्नओवर होता है, एक टेलीफोन में करोड़ों का टर्नओवर कर देते हैं, जगह ना टनूर में दे गया, जगह कहता है एरोप्लेन में अपडाउन करते हैं, बेंगलोर से सीधा जोधपुर, जोधपुर से सीधा हैदराबाद, हैदराबाद से सीधा पुना, पुना से सीधा बॉम्बे, फ्लाइट नीचे ही कौन उतरा, जगह ने मैं देखिया लॉकडाउन में बजरियाला डंपर में बड़बड़ कराया, मैं देखिया रिपियाला ने जगह टेलर का तिरपाल में बड़बड़ कराया, अरे नागड़ी उतार दे पड़ो जाते रहे वाची ने नागड़ियों पड़ाया, हाथ में झंडो लियोड़ो जय बाबा री, जगह रिपियाला ना कहता फ्लाइट में अपडाउन करते हैं, जगह डंपर में बड़बड़ कराया, जगह कहता तानसेन रजनीगंधा खाते हैं, जगह तानसेन मत आएगा, जगह कहता गोल्ड फ्लेक पीते हैं, जगह ओटू बीडी मत आएगा, जगह कहता हम तो रोजीना हरी सब्जी बनाते घर में, 365 दिन सब्जी हरी बने हमारे घर में, फ्राई बने फ्राई, ये फ्राई वाला आएगा बढ़िया रबोड़िया मत है, 3 साल में हांडी को छाटी दूजी, खाली खाटो गोल गोल घाटी से हमें, बोले लॉकडाउन है कोरोना आ गया, इसलिए पैसों का कमेंट मत करना, पैसों पैसों मूर्ति मिले पैसों भगवान कौन मिले, पैसों किताब मिले पैसों ज्ञान कौन मिले, पैसों कपड़ों मिले पैसों चरित्र कौन मिले, पैसों मिनक मिले पैसों इज्जत कौन मिले, पैसों विचारों मिले पैसों नींद कौन मिले, पैसों मकान मिले पैसों आश्रय कौन मिले, पैसों मूर्ति मिले भगवान कौन मिले, पिलंग गड़ो रिपेयर छोको सागवान को पिलंग है नींद गटो लाई मांगनाड़ो लर उबो साहब सागवान कहीं रिपिया मत है ना सागवान खावे उतर उतर हचक हचक बोले काकू ने देवणो कहीं सुबह दो चेक बाउंस जोड़ा तो पैसों बिचावणो मिले नींद को न मिले पैसों कपड़ो मिल जाए चरित्र कटो ले आए चरित्र की धजिया उड़ी उड़ी है यार कपड़ो घणो लीलन को पेरियो कहीं करे लीलन में गामे इज्जत तो टकारी है कोने तो सब काम पैसों से रोटी मिले भूख को न मिले इसलिए पैसों का कभी घमंड मत करना क्योंकि महात्मा लोगों ने कहा घना रुपया ना घमंड करिया ना घना पैसा का घमंड करिया मैं घमंड चूर चूर हो गया राजा रावण कहने घनी माया आई बे माता घटी फेरती इंद्र भगवान पानी भरता नवगरे डोलिया रे पागारे बंदी उड़ा शनिदेव बा के घर में ऊंधा लटकता 4 भेदरो गया था 14 चौकड़ी राजरो धनी सोनेरे पिलक माते नींद लेतो सोनेरी कुर्सी माते बैठ रो राज करतो सोनेरी लंका में रावण रेवास करतो लेकिन मरियो ना राजा रावण के घर में तुष पर सोनो कौन मिलियो एक तुष सोनेरा घर कांगरा सोनेरा घर बार रत्येक सोना ना मिलिया रावण मरती वार उसके घर में एक तुष सोना नहीं मिला रावण के घर में क्योंकि घमंड अहंकार जन महात्मा ने कहा नरमई में घणो नफो और कड़ई में घना कांटा यार कड़ई करी राजा रावण बीरा राम जी काट दिया पटक पटक कर राम जी तो आटा काटे काटे हाथ गवर्नमेंट आटा काटे चौरे मत उबो कर 12 महीना में एक पुतलो बढ़ावे क्या नीति करी जगह ए ढंगवे जन रावण ना फटीटा बोले ठीक है 2 साल लॉकडाउन में बच गो बाकी हर साल कहीं कूतरे ने मारे ऊंधो पटक पटक कर इसलिए कभी अहंकार मत करना नरमई रे कारण धूल आकाशा जाय यार कड़ई रे कारण पत्थर भी ठोकरा खाए नरमई रखे आप लुड़ते ही रखो झुकड़े की नीति रखे आप
जिरकने लुड़ता ही है बीर हमेशा झकार दिया करे यार जिरकने कड़ाई है बारा राशन कार्ड धीरे धीरे इसलिए कभी अहंकार मत करना आगे कोई दादो है ना पोता मत घमंड गणो करतो बोले पोतो जन तो मारो बाकी सब पोतो जन तो मारो बाकी सब गांव रा कहो थारो पोतो है कहन को बोले मारो पोतो तो आई मेरिट में नंबर देव नालो थक जाए इतना इतना नंबर लिया मारो पोतो इतना नंबर लिया एक दिन मार साहब जार दादे ने कहो तेरे पोते ने काली स्कूल भेजियो ना फेल पास होना अब दादो सुबह पोता ने उठाने बढ़िया इना पड़ा कराई क्लिनिक पहले शैम्पू लगाए पुराने बढ़िया खड़े खंकोड़ी अरे कान नाम गलिया रुई रहा फूम मार क्यों जा बेटा मेरिट में आना मेरिट में पोतो गियो फेल पास लेने स्कूल में जितने दादो ला रहे हताया ठगा दाग मारो पोतो आज स्कूल गियो है गणे गणे नंबर लावेला कट्टो भर नंबर लावेला बोरी भर नंबर लावेला अब जीव फेल पास सुनाई पर टाबरिया फाचा घर आवे जर किताब टाबरिया तो प्रगति पत्र हाथ में लियोड़ा आवे यार वो दादाड़ो पोतो जो जाला ठोक तो ही आवे लारला तो प्रगति पत्र खाक में लियोड़ा आवे यार वो दादाड़ो पोतो उड़ाव तोड़ो आवे जर भी दादा ठापड़ गई नंबर घना पड़गा जो बेटो पिकेर तो ही आवे इतना कहीं नंबर बढ़िया यू आवे इया वो पोतो नेड़ो आयो यार वो दादो पूछियो गांव रे बीच बैठोड़ो बेटा बता फेल वियोग पास बता फेल वियोग पास वो दादाड़ो पोतो के हेडमास्टर भाई फेल वेगी अरे थने पूछो फेल वियोग पास बोले सरपंच वालो भाई फेल वेगो अरे तू फेल वियोग पास वो पोतो के बोले मैं कहीं मुख्यमंत्री ओला दू मैं फेल वेगो तो घणो कमेंट नहीं करना कमेंट करे जगह मिनट में चकना चूर जिया करे यहाँ दादे रे पानी उतर गया क्यों जेड़ा दई जेड़ो खेत में बीज बाई ना मैं इनकी फसल होनी है जेड़ा आप संस्कार दिया बेड़ो ला रिजल्ट आना इसलिए अपने बच्चों में वो संस्कार दें कम से कम बूढ़िया संस्कार घर में जीवता रख दियो बस कोई चीज को घाटो नहीं आवे ये बूढ़ी आज बैठा थोड़ा सा पाड़ा आने खुंदरा आंसू आ रिया क्यों इस समय ने देखे बूढ़िया कह रहे देख राम जी टेम आई एक भजन में कहोड़ो है गौ माता री कदर बिगड़ गई जीव तेरी खाल उदड़ गई सावन सुको सुको जावे बिन मौसम बरसात गणी अरे मारा मंदड़ा बदलगा दिनड़ा बे पहली जड़ी बाता कौन है गिबरी पहली वाली बाता छचे भाई बेला रहता पूछो बाबा जी लारे छचे भाई एक भाई मेड़ तारे मेले जातो एक भाई परमेश्वर के मेले जातो एक भाई नागौर के मेले जातो बड़दारी जोड़ी नहीं बिकती जी तो तीन भाई लारे रोटी कौन खाता के बुआई जन चारू जना भेड़ा बैर रोटी जीमा पांचों भाई भेड़ा बैर रोटी जीमा आज तो दो भाई वे चार फलका वे यार बेगो आवे जो कटोरदान खाली कर ऊंधो मार दे बोले मोड़ो आयु क्यों एक भाई आवे चारू रोटी खाई कटोरदान ऊंधो कर दे ओ हम पे अपना परिवार में जना जो भाई भाई खुंदरो प्यास हो जने बुढ़िया लोग कहे जीम लेनो मारे हाथ रो वो बोले जेर जीम लेनो मारे हाथ रो वो बोले जेर अरे सिया तो वो करी वन वो बोले केर बैठनो तो बहर बीचे वो बोले बेर अरे जानो तो बारह महीना रस्ते खाई लेनो पांच किलोमीटर को फेर गोतो खाई लेनो पर शॉर्टकट रो बाईपास काम में कई लोग शॉर्टकट बाईपास काम में गणा लेवे जगह हम चार दूजा ही आवे जावे तो कार में आवे अखबार में क्यों बाईपास करी जगह रही ढंग भाई सर इसलिए बूढ़िया री बात जगी घर में है मेरा घर आज भी जीवता है यार जट बूढ़िया री बात उड़ गई मेरा घर में आज भी देख लो साहब ऊंदरा क्रिकेट को मैच रमे पिंपर में वो पकड़ खेनी ले जावे खेनी पाच ले जाए छा वाला जरूर ले जाओ हाँ जन महात्मा लोगों ने कहा देखो अकलजुगरी परछाई यार मुंडे नहीं बोले मां जाया आज भाई भाई ऊंदरो प्यासो है भाई भाई रे मुंडे नहीं बोले कारण कई एक माँ मोटा करिया एक माँ दूध पिलायो एक घर में बड़ा भी आ, एक ही पिताजी पालन पोषण करियो यार बड़ा भी आ, बेच बेटा माँ बाप रो बंट करे बोले अमोश भाई बाजी ने थू ले जा यार चौदह बजे मार्का निकाल दीजिए एक दिन समय जो गेड़ो चौदह अमोश आएगी बेड़ी अभी पैसा में गेड़ी गई पैसा ऐसा पे चोरे मत फांटा मत उबा पूरी रात डोगरा उबो रही हो कोई पूछियो डोगरा टकना हुआ बोले करूं कहीं चौदह में अमोश बढ़ गई आखी रात लोग मरियो पर बेटी अमूश में चौदह बारिश को निकले इसलिए साहब माँ बाप है तो सब कुछ है भगवान की रात खोटी करे आदमी हाथा कर आपकी उम्र छोटी करे भगवान की रात खोटी करे आदमी हाथा कर आपकी उम्र छोटी करे अरे माँ बाप औलाद ने दोरी गणी मोटी करे घना दोरा मोटा करिया माँ ने पूछो माँ ने कि आपा ने किता दोरा मोटा करिया इस चामड़े की जूती करार आपकी माँ ने पेरावा तो आपनो फर्ज अपनी मां ने अपनी चमड़ी की जूती सैंडल कराई पहराई दा तो अपनी मां रो फर्जा पाऊं नहीं उतरे एक बेटो जार कहो मां रोजी ना कहवे रोजी ना कह तेरे दूध पायो दूध पायो दूध पायो बता तारा दूध रो कितो हिसाब है मैं तारो हिसाब चूक तो करूं
डोगरी क्यों पहले डेरी वाला रिश्ता करता जमीना भी है रोज रो पाव दूध आवे टाबरा गिटन है पहले यूं कर डेरी वाला रिश्ता कर दे मारो रिश्ता पच कर दे ना रात हो गया ना 35 रुपए शीशी पियोड़ा तो माँ बाप ने भी कूड़ो बोले जन महात्मा लोगों ने कहा भगवान की रात खोटी करे आदमी हाथाकर आपकी उम्र छोटी करे माँ बाप औलाद ने दोरी गणी मोटी करे गणा दीरा रमेकड़ा गणा दीरा वे बांकिया माँ बाप पापा ने छाती रे चेप दोरा गणा राखिया पेट माते गुड़ावता छाती माते लुटावता छोटा छोटा कवा देर दोरा गणा गिटावता मिनक वे तो माँ बाप की कदर करनी भूल जो मती अरे माई तारी छोड़ एक दिन अपने जानो है अरे दौड़ा श्यापाला डोगरा रोपद एक दिन अपने पढ़ो है क्यों ये दादा बढ़िया जो अपा ही कोई रहा दादा पढ़ा यार अपा दादा कैडा पढ़ा अपारा काट दे लारे कायदा क्यों इंग्लिश मीडियम पढ़े चिंचिया मिंचिया पिंचिया एम संस्कार निवेदन कहीं करिए अपनो और घर नहीं ट्रो आंगनो लागड़ो पकड़ टांगड़ो दादा ओ दादो बारे एक घंटे का मैं दादो ठेठ बारे बूढ़िया तो आपकी उम्र काट ली कच्चा आंगना में अपा लगाओ ग्रेनाइट और ग्रेनाइट बैठो अपन दुख दे अपारो ग्रेनाइट लगाड़ो बुढ़ापा में अपन रगड़ी दादा दादा तनका मत कर पकड़ियो दादा रो टांगड़ और क्या बैठी ग्रेनाइट में पॉलिश करोड़ी एक झटका में दादो सीधो बी फॉर बाथरूम सीधो एन फॉर नाउनी आर फॉर रसोई एर बी फॉर बेडरूम एर बी फॉर भाड़ा ए फॉर उगड़ी एर बी फॉर पेंशन पी फॉर पाड़ा हैंग दिन आखिर चिंता करी कहीं अपना वही बैठो इसलिए साहब संस्कार देव आप बड़ा लोग लिखे जिन खेता में प्रसाद नहीं रहे बाकी फसला खराब हो जावे एंड जिन घर में संस्कार नहीं रहे बाकी नस्ला खराब हो जावे ये तो पेट बड़े देने बात कही जाए साहब बाकी हर एक जगह केवा भी कौन है क्योंकि मारो तो नियम है यार पिताजी ने एक ही बात कहोड़ी गुरुदेव की भी एक बात कहोड़ी है बस सनातन धर्म और गौ माता ने बचाने वास्ते यदि प्राण भी तज देना पड़े तो साहब ओम डिगना सबसे पहले प्राण छोड़ने को तैयार है गौ माता के लिए और अपने धर्म के लिए यदि प्राण भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना कोई दिक्कत क्यों नहीं क्योंकि आदमी की मौत जीवन में एक बार भी आकर है बस तेजा जी भी एक बार गया पाबू जी एक बार गया माणा प्रताप भी एक बार गया बिगो जी भी एक बार गया भूमे जी भी एक बार गया तो जानो तो एक बार अपन नहीं है तो कुछ कर जाओ दुनिया लारे याद रखे बस हमारो गांव आठ 117 किलोमीटर दूर है यार मारो नाव आचीना में जाने इरो मतलब यह तो मेरे परमपिता परमात्मा हमारे साथ है या फिर माता पिता रे दियोड़ा संस्कार हमारे साथ है या फिर मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ है या फिर आप दियोड़ो आशीर्वाद हमारे साथ है 117 किलोमीटर दूर मैंने ओढ़ के इरो मतलब बहुत बड़ी कृपा भगवान की बाकी गुलपियाँ कोई को ओढ़ के हमें घड़ो पैपू है फिर रहू तो कोई ओढ़ तो वैसे ओढ़ के कोई को ओढ़ के बस ये चीज है नहीं ओढ़ गया डोल के जन मात वाले हो गया